तो अगर आप कोई फोन डिवाइस का यूजर है तो आपको सच में दोस्तों मानना चाहिए सामने जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पोको फोन डिवाइस के लिए उनका जो पोको फोन डिवाइस के लिए उन्होंने 960 FPS का अपडेट दे चुका है ग्लोबल स्टेबल वाला वर्जन MIUI 10 का 2.2.0 में। तो आप लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या नया फीचर्स उसमें आपको मिल जाता है और सच में जो पहले वाले बग्स था उसको किया गया है कि नहीं Xiaomi के द्वारा, क्या क्या नया फीचर्स मिल जाता है वो भी हम लोग इस वीडियो में के अंदर देखेंगे और क्या क्या बग्स है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल आप YouTube पे जा सकते हैं और YouTube पे जाने के बाद यहाँ पर आप टेक्नोदुनिया सर्च कर लेना और नीचे पे रेड कलर पे सब्सक्राइब जो बटन होता है उसको प्रेस कर देना और बाजू में जो बेल वाला घंटी इसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और दोस्तों हम लोगों का चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं iPhone डिवाइस का और भी बहुत सारा डिवाइस का लेटेस्ट न्यूज टिप्स टिप्स का वीडियो बनाते रहता हूँ, तो ताकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालते रहूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से वो MIUI 10 का जो ग्लोबल स्टेबल वाला अपडेट है क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले जो दोस्तों चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको दिसंबर का ही सिक्योरिटी पैच मिलता है एंड्रॉइड 5 के साथ और इसका जो बिल्ड नंबर है MIUI 10 का 2.2.0 का। और दोस्तों सबसे बड़ी चेंजेस की बात करें तो दोस्तों तो कैमरा सेक्शन के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं जैसे हम कैमरा पे ओपन करेंगे यहां पे दोस्तों नया ऑप्शन आपको मिल जाता है जैसे करके स्लो मोशन का। ये दोस्तों पहले स्टेबल वाला अपडेट में नहीं था, बीटा वाला अपडेट के लिए था। दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हैं स्लो मोशन वीडियो पे आप खींच सकते हैं सुपर स्लो मोशन जिसको हम कहते हैं 960 FPS पे उसमें आप वीडियो खींच सकते हैं। यहां पे आप जाएंगे तो 120 FPS का और दोस्तों 240 FPS का इस तरह से दोस्तों आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाके हम लोग दिखा देता हूँ अभी जो है 4K 60 FPS पे अपडेट आया है कि नहीं। उसके लिए सिंपल हम वीडियो सेक्शन पे जाके सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे जो है वीडियो क्वालिटी में जैसे जाता हूँ आपको यहाँ पे अभी नजर आ रहा है कारण 4K 60 FPS का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपके डिवाइस पे नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से आप आपके पोको फोन डिवाइस पे 4K 60 FPS पे वीडियो को आप खींच सकते हैं। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो का लिंक डाल दूंगा तो वहां से जाकर बहुत ही आसान तरीके से वो कर सकते हैं। तो अभी आपके डिवाइस पे 4K 60 FPS का अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जल्दी Xiaomi को फिक्स कर देना चाहिए, इस तरह से कुछ ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन है, स्लो मोशन का ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे 960 FPS में ओनली 5 सेकंड तक की वीडियो खींच सकते हैं, उससे आगे दोस्तों नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों कैमरा सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है नाइट साइट का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नाइट साइट। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नाइट में जैसे दोस्तों गूगल कैमरा GKM का नाइट साइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे नाइट साइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो और एक नया चेंजेस की बात करें दोस्तों यहाँ पे जैसे दोस्तों रिसेंट पैनल पे जाएंगे वहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं नया स्क्रीन आपको मिल जाएगा क्लीनर का, सिक्योरिटी स्कैन का, फाइन एप्स मैनेज एप्स का, इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर नॉच को हाइड करने का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो काफी बुरी बात है जो Xiaomi वालों को फिक्स कर देना चाहिए। यहाँ पे नॉच हाइड करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एंड्रॉइड 5 का जो फीचर है वो दोस्तों सच में हम लोग MIUI 10 पे मिलने लगा है। सिंपल आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों यूज एडाप्टिव बैटरी करके एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे करके इसको अगर ऑन करेंगे तो इसमें आपका जो बैकग्राउंड ऐप है उसको ऑप्टिमाइज करेगा। एंड्रॉइड 5 का ही फीचर है दोस्तों, सच में ग्लोबल स्टेबल वाला अपडेट में इस अपडेट दे दिया। आप मेरे को कमेंट करके बताना इस अपडेट आपको मिला है कि नहीं। दोस्तों इस अपडेट आपको नहीं मिला है अभी तक, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, सिंपल आप जाके वहां से जाके आप अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों किस तरह से आप अपडेट कर पाएंगे उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो जेके वो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पे जाके दोस्तों इस अपडेट को आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किस तरह से अपडेट कर पाएंगे तो मैंने वहां पे वीडियो बना चुका हूं और इसका जो लिंक है इस फाइल का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में छोड़ दूंगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लेना उसके बाद इंस्टॉल कर लेना बिना वीडियो देख के। अब दोस्तों हम लोगों का जो डिवाइस है प्रोजेक्ट ट्रैवल को सपोर्ट करने लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट ट्रैवल सपोर्टेड दिखा रहा है। तो अभी तक यहाँ पे DRM लेवल पे जाके यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ DRM सिक्योरिटी लेवल अभी आपको L3 मिलता है, मतलब हम लोग फुल HD पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह जो नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजन प्राइम वगैरह वीडियो है तो प्ले नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख पा रहे L3 का है, तो अभी भी Xiaomi को इसको फिक्स कर देना चाहिए। और उसको टच लैग और डिले जो इशू था वो मेरे डिवाइस पर अभी नहीं आ रहा है इस अपडेट को कर देने के बाद, आप मेरे को कमेंट करके बताना तो आपको
टाज लैग और डिले का इशू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पबजी जो गेम है दोस्तों अभी भी यहाँ पे नोच के अंदर नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग हो रहा है। तो शायद दोस्तों पोको का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है पबजी टीम को प्ले स्टोर पे जाके बोलना पड़ेगा इस तरह का सपोर्ट को देने के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड 8.0 पे वो चलता था, अभी दोस्तों एंड्रॉइड 9.0 पे नहीं चल रहा है। तो आपको शायद पबजी टीम को बोलना चाहिए, क्योंकि पोको वाले जो है इसको शायद फिक्स्ड कर पाएगा कि नहीं पता नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। इसके सिवा छोड़ के कुछ और आप प्रॉब्लम देख पा रहे तो या फिर कुछ नया चेंजेस देख पा रहे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बात कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी बताना, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह का टिप्स टिक्स पाने के लिए। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हैव ए गुड डे, बाय।